नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उस घर का मंजर कितना खौफनाक होगा ये शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, जिस घर का चिराग बुझ गया हो। देश को आज कर्णवीर पर गर्व है, पूरा परिवार गौरवान्वित है, पर देश के सिपाही के साथ साथ एक बेटे का यूं चला जाना, आखिर किस तरह की हालात उनके परिवार के होंगे ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। जिस घर का दीपक बुझ गया हो, जिन माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई हो, उनके दर्द को बयां कर पाना भी मुश्किल है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं एक आतंकी की पहचान लश्करे तैबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट के जिला सरगना के तौर पर हुई है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और दो जवान घायल हुए। जो जवान शहीद हुआ वो मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान के दलदला गांव के कर्णवीर सिंह थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के चल रहे ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई क्रॉस फायरिंग में सतना के लाल कर्णवीर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान रोड ब्लॉक में कर्णवीर अपने तीन अन्य साथियों के साथ तैनात थे। इसी दौरान एक कार सामने से तेज गति से आती दिखी, उसे रोकने का प्रयास कर्णवीर कर रहे थे, तभी आतंकियों ने फायर खोल दिया। हालांकि कर्णवीर ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन क्रॉस फायरिंग में गोली उनके सिर और सीने में लगी, जिससे मौके पर ही वे शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में इनके साथ रहे तीन अन्य जवान भी घायल हैं। कर्ण के पिता रवि कुमार सिंह ने बताया कि आज ही उनका जन्मदिन भी था और आज ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। पिछले 15 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां में आतंकियों के होने की खुफिया सूचना मिलने पर सेना ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस कार्यवाही में 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आरआर के जवान सतना उतैली निवासी कर्णवीर सिंह भी शामिल थे। सर्चिंग के दौरान कोई बाधा ना हो, इसके लिए सेना ने एरिया को पूरी तरह से घेरे में लेते हुए जगह जगह रोड ब्लॉक तैयार किए थे। वहीं एक रोड ब्लॉक में कर्ण सिंह भी तीन जवानों के साथ तैनात थे। भोर के लगभग 4 बजे इन्हें एक संदिग्ध कार आते दिखी, इसे रोकने का संकेत दिया गया, लेकिन कार नहीं रुकी। तभी कर्णवीर ने उन पर हमला कर दिया। उधर आतंकियों ने भी कार के अंदर से ही इन पर फायर करना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में कार सवार दोनों आतंकी मारे गए। शहीद कर्णवीर सिंह की शहादत की खबर दोपहर करीब 12 बजे उनके परिजनों को लगी तो परिवार में मातम पसर गया, मां की तबीयत बिगड़ गई। शहीद कर्णवीर सिंह दो भाई थे और कर्णवीर छोटे थे। कर्णवीर के पिता रवि कुमार सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं। कर्णवीर की शहादत की खबर लगते ही स्थानीय विधायक व प्रशासनिक अधिकारी भी शहीद कर्णवीर के घर पहुंचे और परिजन को ढांढस बंधाया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत के वीर सपूत सतना के लाल वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत आज कश्मीर में अपना शौर्य और वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत जी चले गए, लेकिन हमारी स्मृतियों में हमेशा अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका परिवार अकेला नहीं है। उनके परिवार के साथ संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश खड़ा है। क्या सूचना मिली अभी आपको? सूचना मिली है कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है। क्या नाम था बेटे का? कब पदस्थ हुआ था? हमको 12:30 बजे पता चला था, और करणवीर सिंह नाम था उसका, और ये शोपियां में होगा ये काम। आप भी सेना में थे? हम भी सेना में थे। आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या बात? कल बात हुई थी। बात हुई थी कि मैं बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ना हो तो दिल्ली यार करा लेते हैं रेफर। बोला ठीक है पापा जी, 10-12 दिन रुकिए, मैं आता हूँ तो फिर आपको दिखाऊँगा छुट्टी।
आज सुबह 8:30 बजे फ़ोन लगाया तो बंदा दूसरा कोई उठाया फ़ोन, वो उठाया नहीं, तो मैंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया, बोला बात कराते हैं आपसे, नहीं कराया, फिर भी लगा रहा, काफ़ी देर लगाया फ़ोन, नहीं लगा, स्विच उसका वो कर दिए थे। फिर उनके एक बंदे को फ़ोन आया, मेरा आर्मी नंबर और वो कि कब रिटायर हुए पूछा, तब मेरे को डाउट हो गया, तब फिर मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, तब फिर वहाँ के एसएम साहब बताया, बोला साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आपका बेटा हमारे बीच में नहीं रहा। आप किस पद पर थे? मैं सूबेदार मेजर थे। किस तरीके से गर्व महसूस है आपको? हमको गर्व है, हमने भी 30-32 साल किया था, इसलिए हमने अपने बेटे को भी यही किया कि बेटा भी जा जाए सेवा करे देश की, देश की सेवा करते करते क्या है, अब बेटा है तो वो तो है, लेकिन हमको गर्व भी है कि देश के लिए कुर्बान हो गया लड़ते लड़ते। आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2017 में हुआ। बेटा कब पदस्थ? 2017 में पदस्थ हो गया था, मेरे ऑन ड्यूटी। आज उसका जन्मदिन है? जी आज उसका जन्मदिन है। करणवीर सिंह राजपूत जो कि बेसिकली 22वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके शहादत की सूचना मिली है, आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई है जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में। जो भी अभी तक सूचना आई है उसके मुताबिक कल उनका शव श्रीनगर से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर इलाहाबाद या फिर प्लान बी के तहत हो सकता है जबलपुर लाया जाए और जबलपुर से फिर सड़क मार्ग से यहाँ लाया जाएगा। जैसा उनके परिजनों से चर्चा हुई कि वो अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव ग्राम दलदल जो रामपुर बागीलान में है वहाँ करेंगे, तो संपूर्ण राजकीय सम्मान और सेना का जो भी डेकोरम है उस सम्मान के साथ उस शहीद की अंत्येष्टि होगी और इसके लिए सभी तरह की सूचनाएँ सभी तरह की तैयारियाँ जो करनी होती है हम सभी कर रहे हैं।